हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग संगीता। तो कैसे हो आप? आशा करते हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है फ्रेंड। तो मैंने एक दिन सोख करके रखा था गेहूँ को, दूसरे दिन इसे बांध दिया था कपड़े से। तो देखिए अंकुरित हो गया ये। अब इसे हम थोड़े से दूध से इसे पीस लेंगे फ्रेंड, दरदरा। थोड़ी से मैंने यहाँ पर पीनट को भी पीस लिया था दरदरा, और हम तैयार करके रख देंगे उसे। इधर मैंने एक लीटर दूध लिया है, फुल फैट मिल्क लेकर इसे हम अच्छे से उबालेंगे फ्रेंड। अब मैं इसमें पीसी हुई गेहूँ डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिलाऊंगी फ्रेंड। उसके बाद थोड़ी सी सैट्रिक एसिड, इसे फाड़ना भी पड़ता है, और इसे हम आधा पकने तक 200 ग्राम यहाँ पर मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। और कलर भी आ जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ये मिठाई के कलर भी ऐसे ही होती है काली। थोड़ी सी नमक इन्हेंस करने के लिए मीठे को, और डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, और जो कूट के रखी थी पीनट वो मैंने डाल दी है, और थोड़े से आमंड्स थे तो उसे भी मैंने डाल दिया है यहाँ पर। और बहुत ही टेस्टी लगी फ्रेंड, एक बार इसे ट्राई जरूर करें आप। इलायची पाउडर, और अब हम लास्ट में घी डालेंगे फ्रेंड। घी डालने से ऊपर से डालने से लाइट आएगी इसमें। जब भी आप हलवा वगैरह बनाएं तो ऊपर से डालें तो शाइनिंग अलग दिखेगी फ्रेंड। तो थोड़ी सी यहाँ पर मैंने न्यूट्रल जेल का इस्तेमाल किया है, जो कि आप देखे होंगे केक पर भी लोग किया करते हैं वही न्यूट्रल जेल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइटिंग होगी, इससे दिखने में शाइनिंग आएगी। देखिए फ्रेंड होने लगेगा प्रोसेस, तो आपको उतार लेना है इसे। जमने के लिए मैंने ग्रीस कर लिया था अपने ट्रे को, इसमें डालकर हम थोड़े से इस पर आमंड्स डाल रही हूँ, और इसे हम सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे फ्रेंड। उसके बाद देखिए इसे हम काट ले रहे हैं, कितना अच्छा से ये कट रहा है। मार्केट में भी इसी तरह मिलती है फ्रेंड। तो ये देखिए कितनी आसानी से मैंने घर पर यहाँ पर बना लिया है। इसे कहते हैं बड़ा मिठाई। तो ये दिल्ली की बहुत ही फेमस मिठाई है इसमें, और बच्चों को एक बार बना दोगे तो बच्चे आपके बार बार मांग के खाएंगे। तो ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।